दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर है और आप भी अगर यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और अगर आपके शॉर्ट वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं या फिर आपके शॉर्ट वीडियो पर 100 से 200 व्यूज आने के बाद आपकी वीडियो पर व्यूज आना रुक जाते हैं, तो आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपने चैनल पर अप्लाई करते हैं तो आपके हर शॉर्ट वीडियो में लाखों में व्यूज आएंगे। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका हर शॉर्ट वायरल होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूले, ताकि यूट्यूब और फेसबुक से संबंधित नए अपडेट की जानकारी हम आपको तुरंत दे सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी लॉन्ग वीडियो की तुलना में शॉर्ट वीडियो पर आपको ज्यादा व्यूज देखने को मिलते हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूट्यूब इस समय शॉर्ट वीडियो को ज्यादा प्रमोट कर रहा है और शॉर्ट वीडियो की रीच को ज्यादा भेज रहा है। और जितना आपके शॉर्ट पर रीच बढ़ेगी उतनी आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल होगी। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको कि किन 5 तरीकों को आप अपने चैनल पर अप्लाई करके अपनी प्रत्येक शॉर्ट वीडियो को वायरल करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपके चैनल की कैटेगरी क्या है, क्योंकि आपके चैनल की कैटेगरी की वजह से भी आपकी वीडियो वायरल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको समझाता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब किसी वीडियो पर लाखों व्यूज देखते हैं तो वो भी उसी तरह की वीडियो बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मिनी ब्लॉग देखा जिस पर 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसी जगह ये बात आती है कि ऐसी वीडियो पर व्यूज ज्यादा आते हैं, अब वो क्या करेंगे कि वो भी मिनी ब्लॉग बनाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही अपने चैनल पर 10 से 15 वीडियो डालेंगे और उनके व्यूज नहीं आएंगे तो वो फिर दूसरी कैटेगरी पर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे जिस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हों। या फिर मान लीजिए कि वो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना भी देते हैं, उनको उस वीडियो से अच्छे खासे व्यूज भी मिल जाते हैं, सब्सक्राइब भी मिल जाते हैं। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, पर वो जो उनके सब्सक्राइब आए हैं 10,000 या 20,000 जितने भी, वो उनको किस बेस पर मिले कि ट्रेंडिंग टॉपिक के उस कैटेगरी के बेस पर। अब इस जगह ऑडियंस की मांग क्या रहेगी कि आप उस कैटेगरी के बेस पर और वीडियो बनाएं, तभी आपके लोग वीडियो देखना पसंद करेंगे। और अगर आपको उस कैटेगरी की वीडियो और बनाना आता ही नहीं है और अगर आप अदर कैटेगरी की वीडियो आपके चैनल पर डालते हैं तो जो आपके सब्सक्राइबर थे वो भी आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे और जो आपके चैनल से व्यूज आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि चैनल की कैटेगरी वीडियोस को वायरल करने और चैनल की ग्रोथ में कितना रोल प्ले करती है। तो आपको वीडियो बनाना बाद में शुरू करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के बेस पर लगातार वीडियो बनाकर ऑडियंस को दे सकते हैं। और अब बात करते हैं आपकी वीडियोस को वायरल करने में दूसरा रोल कौन प्ले करती है, तो वो चीज है आपके वीडियो की एडिटिंग। दोस्तों, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि बहुत सी कैटेगरी पर आपको वीडियो देखना पसंद नहीं होगा और जब आप कई बार यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते रहते हो तो बीच में कई ऐसी वीडियो चल जाती है जिसकी कैटेगरी तो आपको पसंद नहीं होती, लेकिन अगर वो वीडियो गलती से चल जाए और उसमें एडिटिंग अच्छी तरह से की गई हो तो आप उस वीडियो को स्क्रॉल किए बिना पूरा ही देख लोगे, क्योंकि उस समय जो वीडियो की एडिटिंग है वो आपको अट्रैक्ट कर लेती है। तो मेरा इस जगह यही कहना है कि जब भी आप वीडियो बनाएं तो अगर आपकी वीडियो को क्रिएट करने में 1 ही घंटा लग रहा हो तो आप 1.5 से 2 घंटे दीजिए और आप अपनी एडिटिंग स्किल को और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी आपकी एडिटिंग स्किल बढ़ती जाएगी लोग आपकी वीडियो की तरह उतने ही अट्रैक्ट होंगे। और अब बात करते हैं कि आपकी शॉर्ट वीडियो को वायरल करने में तीसरा रोल कौन प्ले करता है, तो वो चीज है आपकी वीडियो में सस्पेंस। दोस्तों, आपकी वीडियो में जितना ज्यादा सस्पेंस होगा लोग आपकी वीडियो उतनी ही ज्यादा देखेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि आप 50 सेकंड की वीडियो बनाते हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग के 10 सेकंड होते हैं वो आपकी वीडियो का बेस होते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ को उसकी जड़ें रोककर रखती है, उसी प्रकार आपके जो स्टार्टिंग के 10 सेकंड होते हैं वो आपकी वीडियो में ऑडियंस को रोककर या बांधकर रखने का काम करते हैं। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के 10 सेकंड में उस पूरी वीडियो का सस्पेंस क्रिएट करना है, जिससे कि आपकी ऑडियंस को लगेगा कि आखिर इस वीडियो में ऐसा है क्या, और वो आपकी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखेंगे। और अगर मान लीजिए कि वो पूरा नहीं भी देखते हैं और 35 से 40 सेकंड भी देख लेते हैं तो उससे भी आपकी वीडियो को अच्छा इंप्रेशन मिलेगा और यूट्यूब आपकी वीडियो को हजारों से लाखों तक पहुंचाने लग जाएगा। तो हो सके जितना आपको आपकी वीडियो में सस्पेंस क्रिएट करना है। और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है आपको आपकी वीडियो अपलोड करने की सही टाइमिंग का पता होना चाहिए। अब इस जगह बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हम अपलोड करने की सही टाइमिंग का पता कैसे लगाएं। तो आपको क्या करना है कि आपको 1 सप्ताह तक आपकी वीडियो को अलग अलग टाइमिंग पर अपलोड करना होगा और आपको ये नोटिस करना होगा कि आपकी ऑडियंस किस समय ऑनलाइन रहती है। और जैसे आपको ये पता चले कि किस समय आपके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो आपको हर रोज उसी समय पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देना है। और अब बात करते हैं अंतिम पॉइंट की, तो अंतिम पॉइंट है वीडियो का टाइटल, क्योंकि आप सभी को पता है कि शॉर्ट वीडियो में थंबनेल तो लगता नहीं है, तो जो भी ऑडियंस है वो आपकी वीडियो का टाइटल पढ़कर ही उस पर क्लिक करेंगी। तो जितना हो सके आपको उतना अच्छा टाइटल लिखने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, जितना जल्दी आप इन पॉइंटों पे काम करेंगे उतना ही जल्दी आपका चैनल की ग्रोथ होगी और आपके वीडियो पर उतना ही व्यूज ज्यादा आएंगे। तो दोस्तों, आपके चैनल की कैटेगरी क्या है हमें कमेंट में जरूर से बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेव करें, क्योंकि इस प्रकार के यूट्यूब और फेसबुक से संबंधित नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।